क्या आपने दुनिया के सबसे खूबसूरत तोते को देखा है? जो इतना खूबसूरत होता है मानो वो स्वर्ग से आया हो। अगर आप इस तोते को एक बार देखोगे तो आपको भी यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप भी इस खूबसूरत तोते को पालना चाहोगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपके लिए दुनिया भर के 10 सबसे खूबसूरत और अकलमंद तोतों के बारे में बताऊंगा, जिसे आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 10वें नंबर पर है सल्फर क्रेस्टेड तोते। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये तोते दिखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होते हैं। आमतौर पर ये सफ़ेद और भूरे रंग के होते हैं और इनका साइज़ 17 से 25 इंच तक होता है, जो एक नॉर्मल तोते जितना ही होता है। दोस्तों, ये तोते बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं और इन तोतों में अलग अलग आवाज़ें निकालने का भी हुनर होता है, जो इन्हें बाकी तोतों से बात करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सल्फर क्रेस्टेड तोतों को खास इसके सर की वजह से जाना जाता है, क्योंकि इसके सर पर पीले रंग का एक मुकुट बना हुआ होता है, जो इसे बाकी तोतों से काफ़ी अलग बनाता है। 9वें नंबर पर है ब्रॉन्ज विंग्ड पैरट। ये मीडियम साइज के तोते साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस रंग बिरंगे तोते को देखकर काफ़ी लोग इससे आकर्षित भी होते हैं। ये जितने दिखने में खूबसूरत होते हैं, उतने ही शांत और मिलनसार भी होते हैं, जो काफ़ी जल्दी हमारे साथ घुल मिल जाते हैं। एक ब्रॉन्ज विंग्ड पैरट काफ़ी अकलमंद भी होता है। अगर इसे सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो यह हमारी नकल भी कर लेता है। 10वें नंबर पर है डस्की लोरी। ज़्यादातर डस्की लोरी न्यू गिनी में पाए जाते हैं। ये तोते अपने सक्रिय और चंचल स्वभाव से पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। पूरी दुनिया में इन तोतों को काफ़ी प्यार से पाला जाता है। यह तोते बहुत अकलमंद भी होते हैं। यह हमारी तरह नकल भी कर सकते हैं और हमारे साथ इन्हें खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इनका साइज़ 9 से 10 इंच तक होता है और इनके शरीर पर अलग अलग रंग होते हैं, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। 7वें नंबर पर है गेला कोकाटू। ये खूबसूरत तोता पूरे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस तोते की चेस्ट और मुंह पर गुलाबी रंग होता है, जो इसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ये तोता हम इंसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलनसार होता है और हमारे साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। इन तोतों का साइज 13 से 14 इंच तक होता है और इनके अलग रंग से ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। ये तोते खाने की तलाश में बहुत लंबा सफ़र भी तय कर सकते हैं। 6वें नंबर पर है ब्लू एंड येलो मकाऊ। ये रंग बिरंगा तोता साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस रंग बिरंगे तोते को ज़्यादातर जंगलों और तालाबों के आसपास देखा जाता है। इस तोते को दुनिया भर में लोग बड़े ही प्यार से पालते हैं और ये सबसे ज़्यादा पाला जाने वाला पक्षी है। जब भी इस तोते को सही से ट्रेनिंग मिलती है, तब ये बहुत कम समय में हम इंसानों की तरह बोलना भी सीख जाता है। यह तोता मिलनसार और बुद्धिमान भी होता है। जो भी इसका मालिक इसे सिखाएगा, ये उसे काफ़ी आसानी से सीख लेता है। इस तोते के रंग बिरंगे कलर से लोगों को ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और लोग इसे बहुत ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अगली वीडियो बनाने की। दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है अफ्रीकन ग्रे। इसे दुनिया का सबसे बुद्धिमान और बड़बोला तोता कहा गया है, क्योंकि जब ये बोलना शुरू करता है उसके बाद यह बोलता ही जाता है। दोस्तों, इस तोते के नाम से आपको यह पता चल ही गया होगा कि यह तोता अफ्रीका में पाया जाता है। यह तोता साइज में 12 से 16 इंच तक होता है और इसके पंख इसके शरीर से भी बड़े हो जाते हैं, जो 18 से 20 इंच तक बढ़ जाते हैं। ये तोते हम इंसानों की नकल करने में बहुत माहिर होते हैं। चौथे नंबर पर है सन पैराकीट। आपने इस तोते को पहले कभी भी नहीं देखा होगा। इसके इतने कलरफुल होने की वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ये ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। एक सन पैराकीट की बॉडी पर कुल 5 रंग होते हैं, जो इसे हमारी प्यारी प्रकृति ने दिए हैं। यह तोता मिलनसार और बुद्धिमान भी होता है। पूरी दुनिया में इन तोतों को काफ़ी प्यार से पाला जाता है। यह तोते बहुत अकलमंद भी होते हैं। यह हमारी तरह नकल भी कर सकते हैं और हमारे साथ इन्हें खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
इनका साइज 9 से 10 इंच तक होता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर हयासिंथ मकाऊ है, जो हमारी धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े तोते हैं, जिसका साइज 40 इंच तक होता है। ये आमतौर पर साउदर्न ब्राज़ील में पाए जाते हैं। बाकी तोतों की तरह यह तोते भी काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ये तोते अपने बड़े पंजों से छोटे छोटे उपकरणों को काम में भी ले सकते हैं। इस तोते को दुनिया भर में लोग बड़े ही प्यार से पालते हैं। जब भी इस तोते को सही से ट्रेनिंग मिलती है, तब ये बहुत कम समय में हम इंसानों की तरह बोलना भी सीख जाता है। हयासिंथ मकाऊ तोते की एक समय पर बहुत ज़्यादा तस्करी की गई, जिसकी वजह से आज इनकी प्रजाति खतरे की कगार पर है। आज सदन ब्राज़ील में इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित कर दिया गया है। दोस्तों आपने अभी तक आपके इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में मैं सब्सक्राइब करने वालों को एक बड़ा सा शाउट आउट दे सकूँ। दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इलेक्टस। ये गहरे रंग वाला तोता न्यू जीनिया में पाया जाता है। इसे धरती का सबसे अच्छा पालतू पक्षी कहा गया है। इसके शांत और मिलनसार नेचर के कारण इसे हम इंसानों का सबसे अच्छा पालतू तोता कहा गया है। इन तोतों की उम्र लगभग 30 साल तक होती है, और ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल यानी कि दूसरों से बात करने की कला में बहुत माहिर होते हैं। यह तोते काफ़ी आसानी से बोलना सीख जाते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर एक पर है स्कारलेट मकाऊ। ये हमारी दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे बड़े तोते हैं। ये ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। इन तोतों के इतने रंग बिरंगे होने के कारण ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और लोगों को भी इन्हें पालने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये तोते बाकी तोतों से काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों ये बहुत जल्द नकल करना सीख जाते हैं, और अलग अलग आवाज़ें भी निकालना भी। ये अपने मालिक के साथ काफ़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये तोते रंगों और आकार को भी याद रख सकते हैं। इनके इतने बुद्धिमान होने के कारण ये लोगों में और पूरी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको एक मैसेज के बारे में कहा था। दोस्तों मेरा मैसेज बस इतना ही है कि अगर आपके आसपास कोई भी पशु पक्षी हो, उसे खाना और पानी ज़रूर दे। हम इंसानों को ईश्वर ने बोलने की शक्ति दी है, पर उन मासूम जानवर को नहीं। वो बेजुबान जानवर आपसे बस प्यार चाहते हैं, इसलिए आप अपने आसपास जानवरों के साथ गलत व्यवहार करने वालों का विरोध करें। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आपके इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपको इस वीडियो में सबसे बेस्ट पैरट कौन सा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।